नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमलोप्रेस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एमलोप्रेस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एमलोप्रेस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एमलोप्रेस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एमलोप्रेस टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एमलोप्रेस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एमलोप्रेस टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आँखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। एमलोप्रेस एक ब्रांड नेम है। एमलोप्रेस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एमलोडिपिन होता है। एमलोप्रेस टैबलेट 2.5 mg, 5 mg व 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एमलोप्रेस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एमलोप्रेस टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, शरीर में थकान होना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द होना और नींद अधिक आना आदि साइड इफेक्ट्स एमलोप्रेस टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमलोप्रेस टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एमलोप्रेस टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में एमलोप्रेस 2.5 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर एमलोप्रेस 5 mg टैबलेट या एमलोप्रेस 10 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। एमलोप्रेस टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमलोप्रेस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको एमलोप्रेस टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एमलोप्रेस टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर जरूरत पड़ने पर एमलोप्रेस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। वैसे एमलोप्रेस टैबलेट माँ के दूध में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन इसकी वजह से दूध पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एमलोप्रेस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।